उसके रहन सहन, उसके संस्कार, इन सभी चीजों को जानना ही तो अडैप्टेबिलिटी है। किसी भी नई चीज को अपनाना आपके लिए कई सारे दरवाजे खोलता है, आपके लिए कई सारे अपॉर्चुनिटीज देता है, आपको एक नया रास्ता दिखाता है। कभी कभी जो चीज है आसान और हमारे बस में होती है, उन चीजों से हटकर भी कुछ करना चाहिए। शायद वही काम आउट ऑफ द बॉक्स वाला काम हो, शायद उसी काम से हमारा एटीट्यूड और पर्सनालिटी डेवलप करे। मतलब कि ऑथर उस हर एक पॉसिबिलिटी को छूना चाहता है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे पर्सनालिटी से जुड़ाव रखता हो। ऑथर किताब में लिखते हैं कि अगर हम नई जगहों पर सिचुएशन से लड़ना सीख जाएंगे तो इससे हमारे अंदर का वो इंसान ग्रो करेगा और वो वैसा बनकर निकलेगा जैसा हम अपने आप को देखना चाहते हैं। हमारा मन कोई जंगली पेड़ नहीं है जिसे जहाँ छोड़ा वहीं से उग गया। अलग अलग वक्त पर अलग अलग पॉसिबिलिटीज के साथ हमें अडैप्टेबिलिटी की जरूरत होती है, कुछ अच्छा करने, कुछ अच्छा सोचने के लिए। कभी कभार अपनी खुशी के दायरों से बाहर निकलना होता है। कभी कभार ये अडैप्टेबिलिटी हमारे एटीट्यूड के लिए एक लीवर का काम करती है। मतलब कि जब भी आपको लगे कि आपका एटीट्यूड कहीं गिर रहा है, आप उसे कहीं भूल आए हैं और आप उसे अपनी पर्सनालिटी से जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो यही अडैप्टेशन एक लीवर का काम करती है जो एक बटन की तरह आपके एटीट्यूड को सही पते पर ला देती है। अडैप्टेबिलिटी की एक और खासियत है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। हम जैसे जैसे नई चीजों की ओर बढ़ेंगे, हमारे मन में उस नई चीज के लिए कई सारे सवाल उठेंगे और उन सवालों को समझने के प्रोसेस में एक समय ऐसा आएगा जब हम बहुत सारी चीजों में निपुण हो जाएंगे। एडाप्टेबिलिटी के आने से हमारा काम बदल जाएगा, हमारे सोचने का नजरिया बदल जाएगा, चीजों को सॉल्व करने का वे बदल जाएगा। हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पर हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड मायने रखेगा और हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी यही अडैप्टेबिलिटी चलाती है। हमने अपना ज्यादा समय शहर में बिताया है, हम शहर में ही पैदा हुए हैं, यही खेले हैं, यही पढ़े भी हैं, यही बड़े भी हुए हैं। लेकिन इस बीच हम जब भी अपने ननिहाल या दादी के घर जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे शहर की तरह नहीं होती। आज तो हर गांव बिजली और पक्की सड़क में ढल चुका है, लेकिन कुछ वक्त पहले तक, कुछ साल पहले तक हर गांव में बिजली नहीं होती थी। शहरों की तरह गांव के घर हमेशा उजाले और रोशनी से भरे नहीं होते थे। रात में जब सब लोग बैठकर बातचीत करते तो लाइट यूं चुटकी बजाते गायब हो जाती थी। तो इस समय हमें इसी क्यूरियोसिटी और अडैप्टेबिलिटी की जरूरत होती है कि किस तरह हम अनफेमिलियर जगह पर सबके साथ फिट हो सके। सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने एटीट्यूड और पर्सनैलिटी को ग्रो तो कर लेते हैं, उसे वैसा भी बना लेते हैं जैसा बनाना चाहते हैं, उसे अपनी जिंदगी के हर एक हिस्सों से जोड़ भी लेते हैं, मगर अपनी पर्सनालिटी और एटीट्यूड को दूसरे के पर्सनालिटी और एटीट्यूड से फिट नहीं कर पाते। जिस तरह से हमारा एटीट्यूड भी दूसरे के साथ फिट होना चाहिए, नहीं तो दरवाजा खुला रह जाएगा और चोर चोरी करके चला जाएगा। यानी कि हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी और हमारा अडैप्टेशन हमें अलग अलग जगह और अलग अलग लोगों के साथ